बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। और कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो मेरे काफ़ी देर से पेंडिंग थे और काफ़ी बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट भी की हुई थी कि मैम प्लीज़ यूट्यूब के बारे में और कुछ अपने पर्सनल जो आपके एक्सपीरियंस रहे हैं उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और जो मेरे क्वेश्चन हैं वो मेरी बेटी मुझसे पूछेगी, मैं आपको उसके जवाब ज़रूर दूँगी। वही क्वेश्चन है जो आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट में भेजे थे। मैम यूट्यूब पे कैसे आई थी? ऐसा था कि मेरा एक क्लिनिक था जिसके अंदर मैं बच्चों को बहुत ज़्यादा कोर्सेज बताती थी, स्किन का ट्रीटमेंट करती थी और सेल्फ ग्रूमिंग के कोर्सेज होते थे। और इसके साथ मेरा जो था पार्ट टाइमिंग के अंदर कुछ ऐसा वर्किंग स्टार्ट होगी एज अ जर्नलिस्ट भी। तो मैंने कहा चले मैं क्लिनिक जो है वो बंद कर देती। तो मेरी बेटी ने कहा मम्मा इस तरह बीमार हो जाएंगी। तो क्योंकि मेरे बाजू में बहुत इशू आ रहा था और मैं बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट और सर्जरीज वगैरह भी कर देती थी स्किन की, तो ओवरवर्क इतना ज़्यादा होता था, इतना मेरा टाइम उस क्लिनिक में लग जाता था। तो मेरी लेफ्ट बाजू में बहुत इशू आ गया। तो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए जस्ट चाय पी रहे थे तो मेरी बेटी ने जस्ट यूट्यूब ओपन किया। तो उसने कहा मम्मा आप यूट्यूब पर क्यों नहीं वीडियो बनाती? तो मैंने कहा है यूट्यूब पे बेटा, मुझे तो उसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है। तो ऐसे उसने स्क्रॉलिंग कर रही थी तो उसने कहा मामा इसमें एक डॉक्टर है तो वो रेमेडीज़ वगैरह बताती हैं, तो आपको तो इतना नॉलेज है और अब आप थोड़ा सा काम जो है वो वर्किंग जो है वो कम कर रही हैं, तो इस तरह तो लोग आपसे बहुत आपके जो हैं पेशेंट वो चाहते हैं कि आप काम करें, और तो आप किस तरह से करेंगी? तो मैंने कहा अच्छा यूट्यूब से तो कहीं मामा इससे पैसे भी आते हैं। तो मैंने कहा बेटा इसमें तो बहुत मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो इस तरह से फिर मैंने YouTube का जो है चैनल स्टार्ट किया और फिर उसमें मैंने जो है अपनी रेमेडीज वगैरह स्टार्ट। अब अपनी फैमिली के बारे में YouTube से हटके थोड़ा सा बताएं। जी आई हैव टू किड्स और एक बेटा है मेरा, वो मेरी बेटी से बड़ा है, और एक बेटी है। बेटा मेरा IT वगैरह का कर रहा है कोर्सेज, और जो बेटी है वो मेडिकल में है। और उसकी जैसा कि अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि क्या कहते हैं जी वो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, देखें ये बात जो है ना ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकती हूँ कि जैसा कि सबको पता है कि वो डॉक्टर बन रही है और इंशाल्लाह ताला कि जब वो कंप्लीट कर लेगी अपनी स्टडी तो फिर मैं उससे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि वो भी इस फील्ड में आए और अपनी जो उसकी स्टडी है उससे रिलेटेड आपको मेडिसिन बताएँ। और कभी कभी मेरी वीडियो में थोड़ी बहुत जो है उसको असल में ये जो है इसमें उसका लाइकिंग नहीं है, लेकिन कभी कभी जब कभी मूड में होती है तो थोड़ी बहुत जो है वो वीडियो के अंदर उसका आपने देखा होगा थोड़ी बहुत एंट्री है। अच्छा मामा आपको यूट्यूब पर क्या डिफिकल्टीज आई थी अभी तक जो अभी भी आ रही है? एक्चुअली मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया था इसका स्किन एक्सपर्ट का बाय प्रोफेशन तो मैं वही हूँ, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट है, इसको चलाना आसान नहीं था, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क था। लेकिन मेरे लिए इसलिए मुझे इजी लगा था क्योंकि मैंने ये कोर्सेज किए हुए थे और मेरे पास इसकी एजुकेशन थी। आप वही काम करें जो कि आपको आता हो और उसी के अंदर आप अपना जो है नेम बना सकते हैं। लेकिन जैसा कि आजकल है लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं और जो है छोटे छोटे से बच्चे जो हैं वो भी इसी के ऊपर बाहर जाते हैं जहाँ पर भी ब्लॉग बनाते हैं, मेरे लिए थोड़ा ये मुश्किल टास्क था और इसी वजह से शायद मुझे बहुत टाइम भी लग गया। लेकिन वो कहते हैं ना लोग कि जब सक्सेस मिल जाती है और आपको चेयर पे बैठा हुआ देखते हैं तो वो कहते हैं ये बहुत हलवा है। जी बिल्कुल हलवा ज़रूर होती है सक्सेस, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इसके अंदर अगर आपको उस इंसान की चेयर नज़र आ रही है वो कुर्सी पर बैठा हुआ है तो उसके पीछे उसकी बहुत सारी एफर्ट्स होती हैं। अब जैसे मैंने ये स्किन का टॉपिक लिया इसमें देखिए रेमेडीज़ हैं, इसमें मैं बहुत सर्च करती हूँ, मुझे बहुत पढ़ना पड़ता है। और मेरे जैसे कि काफ़ी सारे जो पेशेंट ऐसे थे जिनका मैं ट्रीटमेंट मैंने किया उनमें फेस की सर्जरी भी सी, डर्माटोलॉजिस्ट जो पेशेंट मेरे जा रहे थे वो मेरे पास आए और उनका मैंने ट्रीटमेंट बहुत कम पैसों में किया और अल्लाह का शुक्र है इसमें मैं सारा जो अपना क्रेडिट है वो मैं अपने खुदा को देती हूँ। तो इसके अलावा डिफ़िकल्टीज़ के आपने जो क्रिटिसिज्म फेस किया यूट्यूब पर, आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगी? जैसा कि सबको पता है कि जो भी ख़वातीन जो हैं यूट्यूब पे आती हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा। मुझे ये मुश्किल का सामना करना पड़ा कि एक इंडिपेंडेंट वुमेन के लिए और आपको मुख्तलिफ़ किस्म के टॉपिक अगर आप पब्लिक प्लेस में जाते हैं तो इट इज़ नॉट ईज़ी, बहुत मुश्किल टास्क होता है। और मेरा ये था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अगर मैंने इसका रिस्क लिया तो मुझे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और मैं समझती हूँ कि जो बेटियों की माएँ होती हैं
जैसा कि हमारा मुआशरा है, आपको पता है एक सिंगल वुमेन के लिए बहुत मुश्किल होती है, इस तरह मुझे भी बहुत सारी मुश्किल का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर आप अपनी लिमिट्स के अंदर रहकर और अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर आपकी नीयत बहुत अच्छी होती है तो अल्लाह ताला उसमें आपका बहुत साथ देते हैं। तो क्रिटिसिज्म ये कि जैसे फैमिली में मैंने बहुत सारी ख़वातीन के चैनल देखे हैं जिसमें उन्होंने कहा होता है कि ये बहुत गंदा काम था, हमारे रिश्तेदारों ने हमें ये कहा। देखिए ऐसा तो है, मुझे भी इस चीज़ का बहुत सामना करना पड़ा। जैसे एक बहुत बड़ी यूट्यूबर है रशीदा, जैसे आपको उनका पता होगा, उन्होंने एक थोड़ी सी स्टेटमेंट ये दी कि मुझे बहुत बैडली कमेंट्स आए, तो मैंने अपनी बेटी से कहा बेटा ये कौन होंगे, ये हमारे रिश्तेदार ही होंगे। तो ये कितनी एम्बैरेसिंग मोमेंट बात है। और जैसा कि आपको पता है कि जब इंसान आगे जा रहा होता है तो कोई उसको चलता हुआ नहीं देख सकता, ज़्यादा आगे जाता हुआ नहीं देख सकता। और आजकल जैसा कि एक बहुत हाईली पोस्ट चल रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स आपके स्टेटस तक या आपकी एजुकेशन तक या अल्लाह ताला जिन चीज़ों से आपको नवाजता है वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते तो आपके अपने फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है और मैं इसके साथ एग्री करती हूँ। और हर इंसान के साथ ये प्रॉब्लम फेस जो है वो उसे करनी पड़ती है। और मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट किया। और मेरा जो नया चैनल है वो है मुनीरा खान लाइफस्टाइल, आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें। और मेरी कोशिश होगी कि उसमें भी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको दूँ। और कमिंग वीडियो में दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह।